हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ग्रह हो गए 9 और राशियां हो गई 12, राशियां हो गई 12। देखिए अब 12 राशियां जो आपकी हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं लिख करके फिर आपको बताता हूँ कैसे इसका बंटवारा हुआ है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये हो गया मीन। मैं केवल हिंदी है नाम लिख दिया हूँ। मेष को एरीज, वृष को टॉरस, मिथुन को जेमिनी, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, कन्या को वर्गो, तुला को जो लिब्रा, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनु को सजिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉर्न, कुंभ को एक्वेरियस और मीन को पाइसेस कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, नहीं तो वो सर्च कर लेंगे। देखिए अब हमारे पास 9 ग्रह हैं। सिंह राशि जो है इसका मालिक होता है सूर्य। या कौन सी राशि है? पांचवी राशि है। हम संख्या भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये पांचवी राशि जो सिंह राशि है इस पर सूर्य बैठ गया। सूर्य इसका मालिक है, सूर्य राजा ग्रहों का है। तो सूर्य के पास जो है वह सिंह राशि, सूर्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में ये रख लिया सिंह राशि। और सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है। और चंद्रमा ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कर्क राशि को। कर्क का मालिक चंद्रमा होता है, चौथी राशि का मालिक, और यह ग्रहों की रानी कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या, बंटवारा कैसे हुआ, मैं इसको आपको बताता हूँ कि सूर्य जो है, अब राजा रानी जब है तो राजा रानी के पास बराबर का अधिकार होता है। तो 12 राशियां हैं तो जाहिर है कि 6 राशि सूर्य के पास होगी और 6 चंद्रमा के पास होगी। तो सूर्य के पास कौन कौन सी राशि? सूर्य के भगण में, एक शब्द यूज होता भगण, सूर्य के भगण में क्या था? सूर्य ने कहा कि जहां मैं बैठा हूं उससे आगे की राह 5 राशि लूंगा। तो 5 6 7 8 9 10, 5 से लेकर के 10 तक ये जो अधिकार हो गया सूर्य का। सूर्य ने कहा कि मैं बैठूंगा सिंह राशि पर और आगे की 5 राशि मैं और लूंगा। तो सूर्य जो है वह 5वीं राशि पर बैठा, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, यहाँ तक 5 राशि और ले लिया। इनका मालिक हो गया सूर्य। अब बचा क्या? यहाँ पर बच गया कुंभ और मीन, ये 2 राशियां यहाँ बच गई। और चंद्रमा जो है वो बैठे थे कर्क पर, इन्होंने कहा ठीक है पीछे की मैं बची हुई 3 राशियां और लेता हूँ। तो 3 राशियां चंद्रमा की यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई और चंद्रमा बैठे हैं किस पर? कर्क पर बैठे हैं। तो 6 राशियां इसकी किसके क्षेत्र में हो गई? चंद्रमा के क्षेत्र में आ गई, चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आ गई। अब समझिए आप लोग कि सिंह से लेकर के मकर तक सूर्य का अधिकार था और कुंभ, मीन और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन पर अधिकार जो था किसका था? चंद्रमा का था। अब यह हुआ कि 12 राशियां जो हैं वह कैसे वितरित की जाए। अब देखिए कोई भी राज्य होगा तो राज्य को चलाने के लिए राजा और रानी अगर दोनों हो गए तो राजा रानी के बाद क्या होता है? नंबर किसका आता है? युवराज का आता है। एक युवराज होना चाहिए जो आगे चल करके राजा बनेगा। युवराज जो होना चाहिए, युवराज की नियुक्ति होने की आई। युवराज नियुक्ति कैसे हुई? सूर्य ने कहा बुध से, अब देखिए कौन कौन से ग्रह बचे हैं, मंगल बचे हैं, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बचे थे। अब सूर्य ने कहा बुध को, ये बुध युवराज रहेंगे। सूर्य ने बुध को युवराज माना और अपनी अगली राशि, सूर्य बैठे थे सिंह राशि पर और कन्या का मालिक बना दिए बुध को, बुध को कन्या का मालिक बना दिए और कहे भाई आप युवराज रहेंगे। सूर्य ने बुध को युवराज नियुक्त किया और कन्या राशि का मालिक बना दिया। तो चंद्रमा ने क्या किया? बोला ठीक है जब आप एक राशि दे रहे हैं तो मैं भी रानी होकर के मेरे भी एक राशि बनती है। तो चंद्रमा ने क्या किया? मिथुन राशि दे दिया बुध को और बुध के मालिक बुध हो गए, मिथुन के मालिक हो गए। अब बुध का पद क्या है यहाँ पर? युवराज का है। तो देखिए जब राजा रानी और युवराज तीनों नियुक्त हो गए, अब यह हुआ कि कोई कोई मंत्री चाहिए, बिना मंत्री के काम बनता नहीं है। तो क्या किया सूर्य ने? शुक्र को, यहाँ से शुक्र को लिया।
ये बुध को ले लिया गया है, शुक्र को लिया, और तुला राशि का मालिक जो है वह सूर्य ने तुला राशि का मालिक बनाया और बोला आप मंत्री का कार्यभार देखेंगे, तो शुक्र हो गए मंत्री हो गए। तो जब सूर्य ने अपनी तुला राशि दे दी तो चंद्रमा ने अपनी इसके पहले वाली राशि वृष राशि दे दी, वृष के मालिक हो गए शुक्र और ये बन गए यहाँ पर मंत्री बन गए। तो शुक्र दो राशियों के मालिक हो गए, वृष के और तुला के, और शुक्र बन गए मंत्री। तो राजा रानी युवराज मंत्री ये बन गए। अब ये हुआ भाई, इसके आगे जरूरत है किसकी, सेनापति की। सेनापति नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, मैं तो आर्मी का ही आदमी हूँ, सबसे महत्वपूर्ण पद सेनापति का होता है। तो सेनापति किसको बनाए, जो ज्यादा ताकतवर ज्यादा हो, ज्यादा मेहनत करने वाला हो, ज्यादा जो है डोमिनेटिंग नेचर वाला हो, वो होगा सेनापति बनेगा। तो कौन है, मंगल। मंगल जो होते हैं, इनके स्वभाव में ऐसा है। तो मंगल को क्या किया गया, सूर्य ने कहा ये मंगल जो है सेनापति के लायक है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल को बनाया गया और मंगल को कहा गया आप सेनापति रहेंगे, ये सेनापति बना दिया गया। और चंद्रमा ने क्या किया कि अपनी मेष राशि जो है वह दे दिया मंगल को, इसके पहले वाली, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप सेनापति हैं। राजा रानी युवराज मंत्री सेनापति ये हो गए, लेकिन बिना गुरु के काम चलता नहीं है, गुरु का होना तो आवश्यक है। तो ये हुआ कि भाई गुरु का पद कौन संभालेगा, सबसे अधिक बुद्धिमान बृहस्पति, देवताओं के भी गुरु हैं। तो गुरु को बताया गया, सूर्य ने कहा कि धनु राशि के मालिक बृहस्पति रहेंगे या गुरु रहेंगे, और ये गुरु की भूमिका में रहेंगे। इनको बृहस्पति भी यहाँ लिख सकता हूँ, बृहस्पति हैं ये, देवताओं के गुरु हैं, और ग्रहों में भी इनको गुरु की उपाधि दी गई है। और फिर जो है चंद्रमा ने कहा ठीक है मैं जो है अपनी ये मीन राशि इनको प्रदान करती हूँ। तो चंद्रमा का जो है वह बृहस्पति जो मीन राशि के मालिक हो गए और यह गुरु बन गए। और लास्ट में यह आया कि भाग दौड़ करने वाला भी तो कोई चाहिए, राजा हो गए, रानी हो गए, युवराज हो गए, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, और गुरु जी भी आ गए, लेकिन भाग दौड़ कौन करेगा। तो भाग दौड़ करने के लिए सबसे तेज चलने वाले कौन थे, पहले शनि बड़ा तेज चला करते थे, हालांकि बाद में जो है इनको दंड मार करके इनके पांव को तोड़ दिया था, और उसके बाद ये शनि धीरे चलने लगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया शनैश्चर, शनि चरत सयो शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलते हैं उनका नाम शनि है। और शनि आप लोग जानते हैं 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं, 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं, सबसे धीमे धीमे चलते हैं। राहु केतु 1.5 साल में एक राशि को पार करते हैं, बृहस्पति 1 साल में लगभग पार करते हैं, और आपका जो है वह बुध, ये बुध गुरु, बुध शुक्र, ये दोनों जो है वह क्या करते हैं सूर्य, तीनों 1 महीने में एक राशि को पार करते हैं, मंगल लगभग 45 दिन में पार करता है। तो ये क्या हुआ कि ये दौड़ भाग करने वाले, इसको किसको माना गया, शनि को। और शनि को क्या किया गया, वृत्त, एक जो शब्द आता है वृत्त होता है, वृत्त जो है वह इनको बना दिया गया, दौड़ भाग करने वाले बना दिया गया। तो सूर्य ने क्या किया, मकर राशि अपनी अगली राशि मकर दिया, और चंद्रमा के पास बची थी कुंभ राशि, इन्होंने भी इसको शनि को दे दिया, ये यहाँ पर ये बन गए वृत्त। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रहों, 9 ग्रहों में 12 राशियों का बंटवारा कैसे हुआ। सूर्य जो राजा थे उन्होंने अपनी सिंह राशि रखी, चंद्रमा ने कर्क राशि, और सूर्य ने अपनी कन्या राशि बुध को देकर युवराज बनाया, चंद्रमा ने मिथुन राशि देकर के युवराज बनाया। इस प्रकार से बुध युवराज के पद पद पर हैं, और इनको मिथुन और कन्या दोनों राशियों के मालिक होते हैं। उसके बाद जो है वह तुला के मालिक, तुला जो है वह के मालिक शुक्र बनाए गए, मंत्री पद जो है वह सूर्य ने दिया, और चंद्रमा ने वृष राशि दी और शुक्र को मंत्री पद दिया। तो वृष और तुला 2 और 7 दोनों के मालिक कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। फिर युवराज की बारी आई, तो सूर्य ने जो वृश्चिक राशि दी, चंद्रमा ने मेष राशि दी, मेष वृश्चिक दोनों के मालिक हो गए, मंगल जो सेनापति का काम करते हैं, तो 1 और 8 दोनों के मालिक कौन हो गए, मंगल हो गए। उसके बाद फिर जो है आपके गुरु की बात आई, तो धनु राशि सूर्य ने दिया और मीन राशि चंद्रमा ने दिया, तो धनु और मीन माने 9 और 12 इन दोनों के मालिक कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, शनि की बात आई, तो मकर और कुंभ, मकर राशि सूर्य ने दिया और कुंभ राशि चंद्रमा ने दिया, तो मकर कुंभ 10 और 11 दोनों राशियों के मालिक होते हैं शनि, और ये वृत्त का कार्य करते हैं। तो आज इस प्रकार से जो है 9 ग्रहों में
12 राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बंटवारा हुआ, और कौन सा ग्रह कौन से पद पर है इसी के आधार पर वो कार्य भी व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति मंगल से प्रभावित होगा वह सेना में, पुलिस में और सैनिक बलों में, इन सब में देखेंगे ज्यादा ऐसे लोग काम करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वह सेनापतित्व का गुण ज्यादा है। जो लोग जो है वह शुक्र के जो है वह क्या कहते हैं गुण वाले होते हैं, वह शुक्र के जो संबंधित कारोबार में सफलता पाते हैं। बुध जो कैलकुलेशन जो होते हैं, मैथमेटिक्स जो होते हैं, जो IT बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में बुध जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा ऐसे लोग देखे जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह जैसे सूर्य जो है वो क्या कहते हैं आत्मा का कारक होता है, और सूर्य के प्रभाव से लोग अच्छे प्रशासनिक पद पर प्रतिष्ठा पाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो पदों पर आसीन होते हैं। तो इसमें जो 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 ग्रह जिसको जो सी पदवी दी गई है, ऐसे पदवी जैसे शनि है, शनि जो है वह नौकरी कराता है, वृत्त मतलब भाग दौड़ करने वाला होता है, तो शनि से प्रभावित लोग अधिकतर नौकरी किया करते हैं, सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, नौकरी किया कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी आप आगे आप लोग मिलती रहेगी। तो जो ग्रह जिस पद पर है जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही व्यक्ति का भी स्वभाव होता है। राशियों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर व्यक्ति का भी स्वभाव होता है, और वैसे ही क्षेत्रों में लोग ज्यादा सफल होते देखे जाते हैं। बाकी चीजें आपको प्रेडिक्शन में बताई जाएंगी, मैंने केवल आपको ये बताया कि कौन से ग्रह का कौन से राशि पर स्वामित्व है और क्यों है। मुझे लग रहा है, आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों को समझ में आया होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। कोई दिक्कत किसी को?